वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था और हमने इसके बारे में थोड़ी से इंट्रोडक्टरी लेवल की जानकारियां ली थी। फंगस को यूकैरियोटिक्स कहते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए इसको अक्लोरोफिलस भी कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इट मीन्स ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दे आर डिपेंडेंट्स ऑन द अदर ऑर्गेनिक मटीरियल। नेक्स्ट, दे हैव नो एनी वैस्कुलर सिस्टम एंड दे हैव नो एनी काइंड ऑफ फ्लावरिंग सिस्टम। तो इसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते, इसमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। और इस शब्द को सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज के फंगोर शब्द से डेवलप किया गया था और इसका मतलब होता है फ्लोरिस। नेक्स्ट, गैस्पार्ड बहुन ने फंगस वर्ड को टर्म किया था और तभी से हम लोग इसको फंगस के नाम से जानते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोबायोलॉजी। आर एच व्हिटकर ने सबसे पहले किंगडम फंजाई को डेवलप किया था एंड ई जे बटलर इज नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनरा और इसमें फंगस के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली थी। सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड कि हाउ द फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नाउ लुक एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंगस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम उसके जितने भी फंगस पाए जाते हैं उनके जो कॉमन फीचर्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लुक दीज आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, माउथ, स्किन, हेयर, आईज, हर कहीं पर पाए जाते हैं। सो इसकी प्रेजेंस देखते हैं। हैबिटेट फर्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन लगभग वो सारी जगह जहां पर संभावना हो सकती है इनके पाए जाने की, ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाउंड इन सॉइल, एयर में भी ये मौजूद रहते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, नमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दे आर फाउंड इन माउथ, राइट। दे आर फाउंड इन द स्किन, हेयर, स्किन में पाए जाते हैं, हेयर, आईज एट्सेट्रा। तो इनकी प्रेजेंस लगभग हर कहीं पाई जाती है एंड दे आर फाउंड ऑन द डिकेइंग मैटर। जो पदार्थ, जो एलिमेंट डीजनरेट हो रहे होते हैं यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनके ऊपर ये आसानी से डेवलप हो जाते हैं क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ फूड मटेरियल डिकेइंग मैटर ही होता है। एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्मोपॉलिटन, हर कहीं पाए जाते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द फंगस आर टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड इन सॉयल, सम आर एक्वेटिक, सम आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक और सिम्बियंट। तो ये हर तरह के रिलेशनशिप में भी पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं पानी में, पैरासिटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सैप्रोफिटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो सैप्रोफिटिक टाइप के जो फंगस होते हैं दे आर कॉल्ड वेजिटेबल वल्चर। सैप्रोफिटिक फंगस को हम वेजिटेटिव या वेजिटेबल वल्चर कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स।
ये आसानी से जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से पाए जाते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, एक्चुअली द होल बॉडी कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, सूट, स्टेम, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। सो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो तो उसी को हम थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो द मेन बॉडी इज थैलस, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द मेन बॉडी इज थैलस। थैलस मीन्स वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड द बॉडी इंटू लीव, रूट, सूट लाइक दैट। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्लियर? माइसीलियम इज नोन एज द thallus, part of the fungus, and which is composed with the interwoven mass of thread-like structure, जो कि काफ़ी पतले पतले hair-like या thread-like structure से मिलकर गुथे हुए होते हैं और इसी को हम hyphae कहते हैं। तो mycelium किससे मिलकर बना होता है? hyphae, hyphae. हाइफी को हम रूट लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पतले होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। हाइफी आर ब्रांच्ड एंड असेप्टेट असेप्टेट। जो हाइफी है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, उसमें सेप्टा पाया जाता है और कभी कभी सेप्टा नहीं भी पाया जाता है। सेप्टा क्या है? दो सेल के बीच में पाई जाने वाली जो प्लेट है उसको हम सेप्टा कहते हैं। अगर वो प्लेट निकल जाती है, हटा दी जाती है या हट जाती है तो उसे असेप्टेट कहते हैं। राइट, नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है क्वेनोसाइट, सेकेंड है प्राइमरी प्राइमरी एंड थर्ड है सेकेंडरी। सेकेंडरी राइट। तो थ्री टाइप्स ऑफ माइसीलियम आर फाउंड, क्वाइनोसाइटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Now, what is the difference between quinocytes, primary and secondary mycelium? जो quinocytic mycelium होता है ये असेप्टेट होता है, इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इट इज असेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। लुक सपोज ये है एक हाइफा है और इनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है और सेप्टा एब्सेंट होने की वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से लुक एट दिस न्यूक्लियस। Aseptate
एंड दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा, नॉर्मली क्या होता है हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन सेप्टा के एब्सेंट होने की वजह से इसमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन डेवलप हो जाती है। राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स हैं एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। नाउ लुक एट द सेकेंड, प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम में सेप्टेट कंडीशन पाई जाती है और जो सेल्स होते हैं वो यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें लिख लीजिए इट इज सेप्टेट एंड हैविंग वन न्यूक्लियस पर सेल। इस तरह से दिखाई पड़ते हैं बिकॉज सेप्टा इज प्रेजेंट देन देयर इज अ बाउंड्री लाइन इन बिटवीन द सेल्स। जस्ट लाइक दैट, और हर एक सेल में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इन दिस केस यू कैन सी द सेप्टा इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन एवरी सेल। इसको हम कहते हैं सेप्टा। And this is nucleus. तो primary case में क्या होता है कि यहाँ पर septa present होते हैं और uninucleated condition हो पाती है क्योंकि septa present होते हैं। अगर ये septa dissolve हो जाए तो same condition होगी जो albugo और rhizopus में होती है, यानी multinucleate condition। ठीक है, तो इसके example हैं ascomycetes family के member, एस्को माइसिटीज। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी माइसिलियम, दे आर आल्सो सेप्टेट बट डाइन्यूक्लिएट। दे आर सेप्टेट बट हैविंग टू न्यूक्लियस पर सेल। सो इस तरह से डिवीजन पाया जाता है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसको समझने के लिए इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। राइट, फर्ज कीजिए सेम हाइफा है और इसके बीच की लेयर डिजॉल्व हो जाती है। अगर लेयर डिजॉल्व हो जाती है जिसे सेप्टा कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंडरी माइसिलियम एंड इट कंटेन्स टू न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल है, इसको डाइकैरियोटिक भी कह सकते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूस्टिलैगो, लैगो एग्जाम्पल। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस या सेल। सेप्टा आल्सो फाउंड बट हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट द माइसीलियम. जैसा कि आपने देखा, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: कॉयनोसिटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी. कॉयनोसिटिक कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, सॉरी, सेप्टा एब्सेंट होते हैं. प्राइमरी के केस में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और सेकेंडरी के केस में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं बट एवरी सेल हैविंग टू न्यूक्लियस, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक कहते हैं. नाउ लुक एट द मॉडिफिकेशन ऑफ फंजाई. फंजाई मॉडिफाइड होकर बहुत सारे डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फंगस कहते हैं. तो लेट्स सी हाउ मेनी मॉडिफिकेशंस आर फाउंड इन द फंगस. राइट, तो फर्स्ट है प्लैटिनीमा. फर्स्ट मॉडिफिकेशन है प्लैटिकाइमा. प्लैटिकाइमा ये क्या होता है? प्लैटिकाइमा केस में होता है कि इसमें माइसीलियम काफ़ी लूजली एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम प्लैक्टिनकाइमा कहते हैं. और प्लैक्टिनकाइमा भी दो तरीके के होते हैं, जिसे हम प्रोजेनकाइमा और सूडो प्रोजेनकाइमा कहते हैं. इसमें लिख लीजिए, प्लैक्टिनकाइमा इज लूजली अरेंजमेंट ऑफ माइसीलियम विच अपीयर्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स. और इसी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लैक्टिनकाइमा. क्या कहते हैं? प्लैक्टिनकाइमा, कॉल्ड प्लैक्टिनकाइमा. प्लैक्टिनकाइमा टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोजेनकाइमा, और सेकंड होता है सूडो प्रोजेनकाइमा. राइट, नाउ व्हाट इज प्रोजेनकाइमा? प्रोजेनकाइमा इज आल्सो अ लूजली वोवन हाइफी दैट लाइज पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर जो प्रोजेनकाइमा सेल्स हैं या प्रोजेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हाइफी एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं और आपस में अटैच भी रहते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट प्रोजेनकाइमा कहलाता है. यू कैन सी लाइक दिस. This is a parallel arrangement of hyphae known as prosenchyma. Next आता है pseudo parenchyma. A pseudo parenchyma के केस में क्या होता है? The compact mass of parenchyma, it looks like a tissue in which hyphae are very closed, packed and interwoven. यहाँ पर जो हाई फीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपस में गुथे हुए होते हैं, और इस तरह से एक मास का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये ग्रुप ऑफ जो मास है वो एक टिश्यू जैसा अपीयरेंस शो करता है.
काफ़ी ज़्यादा आपस में गुथे पाए जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट प्लैक्टिन काइमा इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोजन काइमा, और प्रोजन काइमा के केस में क्या होता है कि द हाइफी यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर फाउंड पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर लूजली अरेंजमेंट। तो यहाँ पर लूज अरेंजमेंट पाया जाता है, पैरेलल पाए जाते हैं। और इन द केस ऑफ सूडो पैरेन्काइमा, सूडो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि हाइफी आर हाईली और टाइटली इंटरवूवन एंड दे मेक अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि टिश्यू लाइक एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम प्लैक्टिन काइमा को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोजन काइमा एंड सूडो पैरेन्काइमा। प्रोजन काइमा में लूज अरेंजमेंट पाया जाता है, इसमें टाइट अरेंजमेंट पाया जाता है। ये हाईली इंटरवूवन होते हैं, ये लूजली और पैरेलल पाए जाते हैं। प्लैक्टिन काइमा के बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आता है राइजोमॉर्फ। इट इज़ अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है हाइफा का ये भी काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं राइजोमॉर्फ। इट इज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई द एग्रीगेशन ऑफ हाइफी। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि हाइफी के एग्रीगेशन से बने होते हैं, और लेटर ऑन दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और धीरे धीरे ये इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं कि इनकी जो आइडेंटिटी है लूज ख़त्म हो जाती है। तो राइजोमॉर्फिक के केस में जो हाइफी हैं अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस, और यहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम गिल्स कहते हैं। इनर लेयर पर राइट तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हम एगेरिकस कहते हैं। तो ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम गिल्स कहते हैं। गिल्स इस हिस्से को जो मिडिल पार्ट है उसको एनुलस कहते हैं। ये हिस्सा तो दिखाई पड़ रहा है, एनुलस, और सबसे लास्ट ये वाला हिस्सा स्टाइप कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइजॉइड्स होते हैं या फिर जो माइस छोटे छोटे हाइफी होते हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, और इस तरह से बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हर हाइफी की जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और एक थिक मास जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्क्लेरोटियम। SCLEROTIOM स्क्लेरोटियम, ये क्या होता है? स्क्लेरोटियम मीन्स देयर इज अ हार्ड सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन एंड एडहेशन ऑफ हाइफी। तो जो सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं,
और आपस में इकट्ठे होकर एग्रीगेट होकर हाइफी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रो कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटियम। तो इसके एग्जांपल है क्लेविसेप्स और पॉलीपोरस। क्लेविसेप्स सेप्स एंड पॉलीपोरस। नेक्स्ट आता है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा में क्या होता है कि जो हाइफी है दे आर अरेंज्ड लूजली एंड पैरेलली एंड फॉर्मिंग अ फ्लैट मैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हाइफी आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होकर एक मैट, जिसे हम चटाई कहते हैं हिंदी में, मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन विच फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। फोर्थ है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के केस में क्या होता है कि हाइफी लूजली अरेंज होते हैं, पैरेलली पाए जाते हैं, और इसमें ख़ास बात यह कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है डालनीडिया। राइट, नेक्स्ट आता है हस्टोरिया। हस्टोरिया दे आर द टर्मिनल नॉप लाइक स्ट्रक्चर, जो बटन लाइक दिखाई पड़ते हैं, एंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी जो कि मॉडिफाई हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हस्टोरिया हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, हस्टोरिया। हस्टोरिया द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज एप्रेसोरिया। एप्रेसोरिया इस केस में क्या होता है कि द टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइफा फॉर्म्स फ्लैट और स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑन द कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द होस्ट। और ये एप्रेसोरिया क्या करते हैं कि ये होस्ट के साथ आपस में चिपक जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एप्रेसोरियम। फॉर्म दिस मेनी इन्फेक्शंस या मेनी इन्फेक्टेड थ्रेड्स आर फॉर्म फॉर द पेनिट्रेशन एंड अटैचमेंट। तो एक बार जब ये सरफेस पे अटैच हो जाता है तो यहाँ से पतले पतले थ्रेड लाइक इन्फेक्शन कह सकते हैं या इन्फेक्टेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि वहाँ से डेवलप होते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं होस्ट के अंदर और वहाँ से अपना नरिशमेंट ये रिसीव करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एप्रेसोरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैप्स। नेक्स्ट आता है सेवंथ ट्रैप्स। ट्रैप्स ट्रैप्स इज अ हाइफी ऑफ प्रीडेटरी फंजाई फॉर्म लूप्स टू ट्रैप द नेमेटोड्स एंड सम ईल वर्म्स। तो ये हाइफी एक तरह से प्रीडेटरी फंजाई में पाए जाते हैं जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, जैसे नेमेटोड्स है, ईल वर्म्स हैं, और उनको ये कंज्यूम कर सकते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं डैक्टाइलिया, डैक्टिलिया, डैक्टिला। दूसरा एग्जांपल है इसका अर्थर बॉट्रिस। अर्थरा बॉट्रिस। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफा।